बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं जो कुछ इन्फॉर्म करता रहा, अब सिचुएशन बिल्कुल अनफोल्ड हो रही है और ख़ुद अनफोल्ड कर रहे हैं गैर मुल्की ज़राए अबलार, और ख़ास तौर पर अमरीका की तरफ से। अमरीकी हुकाम, पेंटागन, CIA, वाइट हाउस, अब वो ख़बरें सारी की सारी अनफोल्ड हो रही हैं और अब वो खुल के बातें कर रहे हैं। जो कुछ मैंने आपको इन्फॉर्म किया पिछले तकरीबन एक डेढ़ माह से, मैं मुसलसल आपको दो माह से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बात कर रहा हूं, और उसका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा है। अभी भी कुछ मज़ीद ख़बरें आपके साथ शेयर करता हूँ, और अगेन मैं ये कहूँगा कि हमारी भी तवक्को से बहुत सारी खबरें हमसे ओझल भी रहीं, और लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कुछ हिंट्स मिलते रहे और कुछ अंदाज़ा होता रहा, कुछ पल्स पहुंचती रही कि कुछ बड़ी एक्टिविटी हो रही है और बहुत बड़ी सरगर्मियां जो हैं वो पसे पर्दा हो रही हैं। जो हम तक या मीडिया तक कोई एक बात पहुंचती है, 5% और 95% वो हिडन था। अब चूँकि मामला खुल गए हैं और हमने उस पर खुलकर गुफ्तगू भी की, अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल जी, और सबसे अच्छी खबर, सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त की सियासी और फौजी क़यादत वो वाकईतन जी ऐसी है कि उनको सैल्यूट करना चाहिए, और उसकी वजह ये नहीं है कि कोई सियासी मामलात नहीं, वो जिस तरीके से हमारे इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप, ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और हमारी अस्करी क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और जो प्रेशर यानी हमारी तवक्कुआत से बहुत बढ़कर प्रेशर जो उन तक पहुंचा, न सिर्फ उसको वो रजिस्ट कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं, बल्कि उसको इग्नोर भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मुकदमे को। सूरत हाल ये है कि अब मालूम हुआ, खबर आप तक पहुंच गई होगी कि अफ़गानिस्तान के मामले में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इतनी गंभीर है कि CIA के चीफ ने भी पाकिस्तान का खुफिया दौरा किया, और उनका खुफिया दौरा 1 पॉइंट एजेंडा था, उनके खुफिया दौरे का मकसद एक ही था, और वो था कि किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान में जो हम 20 साल 21 साल की जंग हार के जा रहे हैं, दुनिया तो यही जानती है बहुत अच्छी तरह, बेशक ही आप इसको पीस एग्रीमेंट कहें, अमन मुआहदा कहें, 21 साल जिन के साथ आप लड़े और पूरी दुनिया को लेके आ गए, पूरी दुनिया की अफवाज को लेके आ गए और इस जंग में झोंका सबको, और उन्हीं को जिनको आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कहते रहे, दहशतगर्द कहते रहे, उन्हीं के साथ आप टेबल पे बैठे, उसी सियासी क़यादत के साथ, अफ़गान तालिबान के साथ, उसी के साथ मुआहिदा किया, उनकी फ़ौजी क़यादत को तस्लीम किया, उनकी सियासी हैसियत को तस्लीम किया। तो जब ये तस्लीम कर लिया, अब चूंकि चीज़ें आ रही हैं बाहर आहिस्ता आहिस्ता और उससे कहीं ज़्यादा, तो नंबर वन तो ये कि अब तक कितने प्रेशर आए, मैं फिर अगली बात करूंगा कि CIA चीफ ने आके क्या बात की, और उसके बाद जो मजाक उड़ाते हैं माजी में ये होता रहा है। एक और ख़बर भी आपसे शेयर करूंगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से बात करने से इनकार किया और उनकी फ़ोन कॉल नहीं ली। ये एक बात सामने आ चुकी है कि उनकी फ़ोन कॉल नहीं ली अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने ये कहा कि जनाब, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से ज़ाहिर जो मैसेज कन्वे किया गया वो ये था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है तो प्रेसिडेंट बाइडेन को बात करना होगी, और अगर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बात करनी है तो फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा से बात करना होगी। ये प्रोटोकॉल्स, इसके बारे में आप 100 इख्तलाफ़ कर सकते हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से सियासी इख्तलाफ़ात हो सकते हैं,
मौशी पॉलिसियों पर आप तनकीद कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी और वो ये कि माजी में, क्योंकि मैं जो ये बात बार बार कह रहा था कि अब हमारी सियासी और अस्थिर क़यादत का इम्तहान है कि वो किस तरीके से रेजिस्ट करती है, उसकी वजह यह है कि माजी में हमारी क़यादतें जो हैं वो बहुत थोड़े फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए, थोड़े फ़ायदे के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया और पाकिस्तान को मजबूत नहीं किया, अपने आप को मजबूत किया, पाकिस्तान की डिग्निटी को मजबूत नहीं किया, उसके वक़ार का ख्याल नहीं रखा। अपनी अलबत्ता उन्होंने पीआर बहुत अच्छी बनाई, अमेरिका वाशिंगटन में भी और बरतानिया में भी और यूरोप में भी, और उसी पीआर के बलबोते पर ये हमारी सियासी और अस्करी क़्यादतें माजी की इंजॉय भी करती हैं। इस वक्त सूरत हाल और है, और हुआ यह है कि अफ़गानिस्तान का मामला आपको मालूम है कि बढ़ रहा है, अफ़गानिस्तान भी और कश्मीर भी। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ से कई बार गुफ्तगू कर चुके हैं और उनकी एक कॉल एक घंटे से ज़्यादा की थी, उसके बाद मज़ीद फ़ोन कॉल्स हुई, और बल्कि फ़ोन कॉल्स नहीं कहना चाहिए, निगोसिएशंस वर्चुअल वफूद की सतह पे आर्मी चीफ को उन्होंने इंगेज किया, और फिर अमरीकी वज़ीर दिफा, फिर अमरीका की फ़ौजी क़्यादत आती रही और बरतानिया की फ़ौजी क़्यादत आती रही, आर्मी चीफ से मिलती रही, और इधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ भी रबते रहे। लेकिन अमरीकी हुकाम की तरफ से जो गुफ्तगू करने की कोशिश की गई वह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वो की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, एजेंडा एक ही था और एजेंडा था अफ़गानिस्तान का, क्योंकि अफ़गानिस्तान में रही सही इज़्ज़त बचाने के लिए CIA को भी और पेंटागन को भी, उनको चाहिए अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना, और वहाँ पे वो चाहते हैं कठपुतली हुकूमत हो और पाकिस्तान उनको फ़ौजी अड्डे दे। और ये CIA चीफ का पूरा विज़िट की डिटेल्स न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया कर दी, और उसमें क्या कहा जी, उसमें क्या मांगा जा रहा है, पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे जा रहे हैं, और पाकिस्तान से न सिर्फ फ़ौजी अड्डे मांगे जा रहे हैं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हम इधर से ड्रोन हमले भी करेंगे और टारगेट हमारा अफ़गानिस्तान होगा और हम पाकिस्तान से बैठ के अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जो शिकस्त हमें हो चुकी है और उसके बाद तो ज़ाहिर है हमने कुछ ना कुछ तो अपनी साख बचानी है, ये उनकी मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि 21 साल की लड़ाई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों विड्रॉल का हुक्म सादर किया, वो इसीलिए किया था कि ये एक लाहासिल जंग है, खरबों डॉलर इसमें खपा दिए गए हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो CIA चीफ आते हैं जी पाकिस्तान और पाकिस्तान के मिलिट्री हुकाम से मुलाकातें करते हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस हुकाम से बातें करते हैं, मुलाकातें करते हैं, और उनसे बातचीत के नतीजे में अड्डे मांगे जाते हैं, फ़ौजी अड्डे मांगे जाते हैं, और उसके साथ साथ दीगर सपोर्ट मांगी जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ डिस्कस होती हैं, और जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ डिस्कस होती हैं तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप का जब फैसला होता है, मुत्तफिक का फ़ैसला, वो पाकिस्तान का इनकार है। पाकिस्तान इनकार करता है, और पाकिस्तान के इनकार के बाद अब पाकिस्तान को ज़रा धमकियां शमकियां भी देने की कोशिश की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है जी अगर आप नहीं देंगे तो फिर, ये खबरें छोड़ी जा रही हैं कि इंडिया फिर हमें ये दे देगा, तो अगर इंडिया दे देगा तो फिर पाकिस्तान की अहमियत कोई नहीं रहेगी, तो इस तरह की। तो सूरत हाल यह है कि 9/11 जब हुआ था उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उस वक्त भी, क्योंकि वो लेजिटिमेट नहीं थे, टेक ओवर किया हुआ था, उनका एक हैंडीकैप था उनके साथ, और ये इस वजह से उस वक्त पाकिस्तान ने शरायत मानी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बग़ैर कुछ लिए दिए पाकिस्तान उसका इत्तेहादी बन गया फ्रंट मैन का, और उसके बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ इत्तेहादी बन के अमरीका ने, नेटो ने,
यूरोप ने, MI6 ने, CIA ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो हम सबके सामने है। और यहाँ पे रेमंड डेविस, ब्लैक वाटर, पता नहीं क्या क्या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद, पिशावर, कराची, ये ऐसे ही था जैसे हम एक छोटी सी कॉलोनी बन गए हैं अमेरिका की, और वहाँ से जो चाहे आए, जो चाहे जाए, ये सिचुएशन थी। और उसके बाद हमने, हमारे साथ क्या किया गया, MI6 और CIA और रॉ, इन तीनों ने आपस में गिटमिट की, बाकायदा तौर पे इत्तेहाद बनाया, और फिर पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने की कोशिश की गई। ये सारी तारीख है। इन 21 साल में जब पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, पूरी दुनिया को सपोर्ट कर रहा था, शमसी एयरबेस दिया हुआ था, शहबाज एयरबेस दिया हुआ था, लेकिन पैरेलल पाकिस्तान के खिलाफ क्या हो रहा था, पैरेलल पाकिस्तान के खिलाफ जनाब कराची, कलभूषण, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अल्ताफ हुसैन को देख लें, कलभूषण को देख लें, उधर आप पाक अफगान बॉर्डर पे देख लें, पाक ईरान बॉर्डर पे देख लें, जो कुछ ईस्टर्न बॉर्डर पे देख लें, जो कुछ हमारे साथ किया गया, हमारा कोई शहर नहीं बचा था जहाँ पे खुदकुश धमाके ना हुए हों, जहाँ पे सिक्योरिटी का मामला ना हुआ हो, और यहाँ पे पाकिस्तान एक खौफो हरास की अलामत बना दिया गया था। ये हुआ, क्रिकेट टीम पे भी हमले करवाए गए। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के जहन में नक्श हैं एक एक करके। बहरहाल सुपर ताकतें जो हैं वो उनके अपने हैं कि वो तो कहते हैं जनाब ये तो हमारा हक है। तो CIA चीफ अब जी मुतबादल स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पाकिस्तान का इनकार हो चुका है। और मैं ख़ास तौर पे ये ज़रूर कहूँगा, वो दानिश्वर, ख़ास तौर पे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दानिश्वर हैं, और कभी वो बहुत इन हुआ करते थे, बड़े होते थे, एडवाइज़र भी होते थे कियानी साहब के, यानी कि ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल। तो वो जनाब, उन्होंने पिछले दिनों एक बात की, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान बाइडन को फ़ोन कर रहे हैं, और जो बाइडन जो है वो फ़ोन ले नहीं रहे, इनकार कर दिया गया, जबकि बात बिल्कुल इसके ऑपोज़िट निकली। और वो बात ये थी कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं की गई वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, बल्कि ऑफिशियल हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये बता दिया गया कि इमरान खान से बात, वज़ीर आज़म से बात प्रेसिडेंट करेंगे। क्योंकि माजी में हुआ ये है कि कोंडोलिज़ा राइस, हॉलब्रुक और एक वाउचर हुआ करते थे, ये यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी से भी नीचे के लोग थे, तीसरे दर्जे, चौथे दर्जे की क्यादत जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आके डिक्टेशन दिया करते थे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के अस्करी और सियासी क्यादत जो है चश्मे मा रोशन दिले माशाद करके इंतज़ार किया करती थी। लेकिन पिछले 3 सालों में पाकिस्तान ने अपना ज़रा चेंज किया है मूड, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान की सियासी इस वक्त की हकूमत को जाता है और अस्करी क्यादत को जाता है। नंबर वन ये कि वन विंडो ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। एक बात तो इससे ये निकली कि माजी में ये भी होता था, एक और बात बता दूं, माजी में होता था ये जी कि वो आपके उतरे नूर खान एयरबेस से, अमरीकी हुकाम, बरतानवी हुकाम उतरे, सीधे गए जनरल मुशर्रफ साहब से मिले, आपस में गिटमिट की और मुतालबात, एक चिट पेश की, डिमांड्स और डू मोर की एक लिस्ट दे के चले जाते थे। और इसी तरीके से उसके बाद आ गए नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, उस दौर में भी इसी तरह का काम चलता रहा, और ये सारे मामलात ज़रा। और फिर ये कि आपने देखा कि हमारे यहाँ वो खबरदर मुल्क हों या फिर ये बड़े मुल्क, इनके सफ़ीर ही यहाँ के वायसराय की तरह रहते थे, और वो जब चाहते थे वज़ीर आज़म साहब के पास चले जाते थे, और वज़ीर आज़म साहब बैठे होते थे इंतज़ार में। अब ऐसा हुआ है, प्रोटोकॉल्स चेंज किए गए हैं, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जाता है, मौजूदा वज़ीर आज़म को, प्रोटोकॉल्स चेंज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस लेवल का आदमी होगा उससे मिलें। आपने देखा होगा कि बहुत अरसे से आपने बहुत कम तस्वीरें देखी हैं, चीन के सफ़ीर के साथ आपने वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर देखी होगी, और इससे नीचे मेरा ख़्याल है कि अभी तक आपने अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात की नहीं देखी होगी, किसी और मुल्क के सफ़ीर जो हैं, बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हो तब
सफ़ीर की मुलाकात होती है वज़ीर आज़म से, वरना उन्हें कहा जाता है कि आप दफ्तर खारजा जाएँ, सेक्रेटरी खारजा से मिलें, अपने अपने शोबों से मिलें और वहाँ पर जाके मसाइल हल करवाएँ। अब जी CIA के चीफ़ CIA की मुतबादल प्लानिंग, अच्छा उसकी वजह क्या है, क्यों ये किया जा रहा है? इसी रिपोर्ट में ये बता दिया गया है कि CIA की जो असेसमेंट है अफ़गानिस्तान के बारे में वो ये है कि बग़ैर अमेरिकन सपोर्ट के अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, अफ़गानिस्तान के हुक्काम सरवाइव नहीं कर सकेंगे और उनके मुकाबले में जो अफ़गान तालिबान हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। ये इसमें एडमिट किया गया है, ये 21 साल की लड़ाई के बाद का ये निचोड़ है जो कि CIA ने अपनी इस रिपोर्ट में सबमिट किया है। मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ लेकिन मैं उसका क्रक्स बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस की जो असेसमेंट है वो ये है कि अमेरिकन सपोर्ट के बग़ैर, अमेरिकन सपोर्ट के बग़ैर अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगी और इस बात का भी इम्कान है कि कोलैप्स कर जाएं, ठीक है जी। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी मदद जो है वो ज़रूरी है। बंदा पूछे इनसे कि भाई 21 साल तो आपकी फ़ौज, आलमी दुनिया की फ़ौज, अक्वामे आलम सब के सब अफ़गानिस्तान में अंदर मौजूद थे तो कुछ नहीं हो सका, तो अब आप बाहर से बैठ के क्या कर सकते हैं? तो इसलिए अब एक और जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चार्जशीट, वो साथ साथ धमकियां भी दी जा रही, एक तो इंडिया का बताया, उस वक्त भी कहा गया था 9/11 के वक्त भी, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इंडिया से हम सपोर्ट लेंगे। तो भाई इंडिया से सपोर्ट लेते तो 100 दफ़ा ले लेते और ये वज़ीर आज़म इमरान खान को क्रेडिट जाता। उस वक्त भी उन्होंने अपोज़ किया, आज भी अपोज़ कर रहे हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे। और इस पे पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप मुत्तफिक है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके साथ मुकदमा भी तैयार किया जा रहा है, उसमें ये तैयार किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को रगेदा जा रहा है। इसी रिपोर्ट में इनको आज ख्याल आया कि आज पता चला, तो मैं इस बात करता हूँ क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, तो अफ़गानिस्तान में तो सबकी प्रॉक्सीज मौजूद थीं, तो इस वक्त भी अमेरिका मुतबादल जो आप भी यही कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका ख़ुद, ये CIA की रिपोर्ट है कि वो ख़ुद ये कर रहा है कि अब ज़रा एक दूसरी स्ट्रेटजी लेके आएँ। और वो स्ट्रेटजी क्या होगी? वो होगी कि वहाँ पर प्राइवेट मलेशिया जो है उसको खड़ा किया जाए, उनको सपोर्ट की जाए, उसका नाम वो दाइश रख लें, उसका नाम आप अलकायदा रख लें, उसका नाम कुछ और रख लें, कुछ भी रखा जा सकता है, उसको आप सपोर्ट करें, लिहाजा प्रॉक्सीज अब वहाँ पे खड़ी की जाएंगी जो कि वहाँ पे ये काम करेंगी। तो ये है जनाब रिपोर्ट CIA की मुफस्सल, जिसमें सारी अपनी नाकामियों की दास्तान है 21 साल की, और पाकिस्तान को उसमें धमकाया भी जा रहा है। पहले रिक्वेस्ट की गई, मिन्नतुल्लाह प्रोग्राम किया गया, लेकिन अब धमकाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, और हमें तवक्को है, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस पे पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान की क़यादत को भी। उसकी वजह यह है कि एक और भी अफ़गान तालिबान ने ख़ास तौर पर उन्होंने अफ़गान फोर्स से ये कहा है कि गैर मुल्की अफवाज की खिदमात पर मामूर जो अफ़गान हैं वो महफूज रहेंगे और उन पे हमले नहीं किए जाएंगे। और सूरत हाल अगेन यही है कि जुलाई का कहा जा रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से वहाँ पे इनखला जारी है, और देखते हैं जनाब कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और एक चलते चलते हमारी, मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने कुछ दोस्तों के साथ जो हमारे फील्ड के ही हैं, वो पूरी वीडियो सुना करें और उसके बाद कोई किसी नतीजे पे पहुंचा करें, और अपने जहन की जो इख्तरा है, जहनी इख्तराएँ और अपने मफरूज़े और अपनी ख्वाहिशात या अपनी डिज़ायर, वो हमसे मंसूब ना किया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।